मॉर्निंग स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स वी आर ऑन द थर्ड पार्ट ऑफ चैप्टर 7 ऑफ हिस्ट्री एंड टुडे आवर टॉपिक इज चेंजिंग सोसाइटी न्यू कास्ट एंड हायरार्कीज। स्टूडेंट्स हम पढ़ रहे थे कि जो ब्राह्मणों के द्वारा सोसाइटी में चार वर्ण अप्लाई किए गए, जैसे कि फर्स्ट क्या था ब्राह्मण, नेक्स्ट क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। जो ब्राह्मण है उनका काम क्या है, पूजा पाठ वगैरह करना, तो इनको काफ़ी सम्मान दिया जाता था सोसाइटी में, काफ़ी रिस्पेक्टेबल वर्ण था ये। सेकंड है क्षत्रिय, ये भी योद्धा होते थे, ये भी काफ़ी सारे इनका भी हाई लेवल था। ऐसे ही जो वैश्य थे ये होते हैं जो जैसे कि व्यापारी वर्ग आता है इसमें, तो ये भी ठीक था। लेकिन जो शूद्र थे इनको काफ़ी निम्न श्रेणी के समझे जाते थे इनकी, क्योंकि इनका काम क्या था जैसे नौकर चाकर का काम करना, वो शूद्र वर्ण के अंतर्गत आता था। तो इस तरह से चार वर्ण बनाए गए, तो इन चार वर्ण की वजह से जो समाज में काफ़ी सारा ऊंच नीच का भेदभाव पैदा हुआ। तो ऐसे हम देखते हैं कि ये जो सोसाइटी था जिसमें चार वर्ण बनाए गए थे, इसमें काफ़ी चेंज हुआ। ये वर्णों तक ही सीमित नहीं रहा, इसमें आगे चेंज होते गए, और वो चेंज कहाँ तक पहुँचे, न्यू कास्ट, उससे है ना आगे चलकर इनमें भी नई कास्ट उभर कर सामने आने लगी। जैसे कि जो ब्राह्मण है उनमें से भी अलग अलग, जैसे कोई चतुर्वेदी, द्विवेदी, वशिष्ठ, इस तरह से त्रिपाठी, ऐसे ऐसे नई नई जातियाँ ब्राह्मणों की निकल के आई। ऐसे ही आगे इनका क्षत्रिय की भी नई नई प्रजातियाँ, और वैश्य की और शूद्र की, और फिर हायरार्कीज, हायरार्की मीन्स ग्रेडेशन, वर्गीकरण आगे किया गया जातियों में। तो एज द इकोनॉमी एंड द नीड्स ऑफ सोसाइटी ग्रू, जैसे जैसे समाज की इकोनॉमी मतलब कि आर्थिक रूप से और नीड्स जरूरतें समाज की बढ़ती गई, पीपल विद न्यू स्किल्स वर रिक्वायर्ड, तो नए नए स्किल्स के साथ लोगों की ज़रूरत भी बढ़ती गई। मतलब कि पीपल विद न्यू स्किल्स मतलब कि जो नए नए स्किल्स के साथ लोगों की ज़रूरत बढ़ती गई। स्मॉलर कास्ट और जाति इमर्स्ड विद इन वर्ण्स, तो जो वर्ण थे उनमें से छोटी कास्ट और जातियाँ निकल के आने लगी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि न्यू कास्ट अपीयर्ड अमंग अस द ब्राह्मण्स, ब्राह्मणों में नई जातियाँ निकल के आई। ऑन द अदर हैंड मैनी ट्राइब्स एंड सोशल ग्रुप्स वर टेकन इनटू कास्ट बेस्ड सोसाइटी एंड गिवन द स्टेटस ऑफ जातीज। जो यहाँ तक बात हो रही थी कि जो मेन स्ट्रीम थी ना सोसाइटी में, जैसे हम जैसे लोग थे जो सोसाइटी में मेन स्ट्रीम के अंतर्गत आते हैं, तो उनमें जातियाँ बन रही थी, लेकिन जो ट्राइब्स थी ना, ट्राइब्स वाले लोग थे ना, जो वो किसी जाति वाति में विश्वास नहीं करते थे, उनकी एक ही जाति होती थी, लेकिन उनका भी इन लोगों की वजह से, जो मेन स्ट्रीम वाली सोसाइटी की वजह से, ट्राइब्स पर भी इफ़ेक्ट पड़ने लगा और उनमें भी चेंज होने लगा, और उन्होंने भी आगे चल के वो भी कास्ट बेस्ड सोसाइटी के प्रभाव में आने लगे, और उनमें भी जातियां आगे बनने लगी। स्पेशलाइज्ड आर्टिसन, और कुछ आर्टिसन, स्पेशलाइज्ड आर्टिसन जैसे कि स्मिथ जो लोहार या फिर सुनार वगैरह होते हैं, कारपेंटर्स जो लकड़ी का काम करते हैं, एंड मैसन, मिस्त्री, तो इस तरह से नई नई जातियां है ना निकलने लगी। वर ऑल्सो रिकॉग्नाइज्ड एज सेपरेट जाति, ये है ना पहले एक ही होती थी, लेकिन अब ये अलग अलग जातियां बनने लगी, स्मिथ की अलग से, कारपेंटर की अलग से, मैसन की अलग से, बाय द ब्राह्मण्स ने अलग अलग से इनकी जातियाँ निकाल दी। जातीज रादर देन वर्ण बिकेम द बेसिस फॉर ऑर्गेनाइजिंग सोसाइटी, अब सोसाइटी को ऑर्गेनाइज करने का मुख्य स्तंभ सिर्फ वर्ण ही नहीं था, वर्ण सिस्टम नहीं था, बल्कि जाति सिस्टम अब ज़्यादा सोसाइटी को ऑर्गेनाइज करने का माध्यम समझा जाने लगा। अमंग द क्षत्रियास न्यू राजपूत क्लैंस बिकेम पावरफुल, अक्षत्रिय
थे ना, जो क्षत्रिय मतलब योद्धा जो रूलिंग सोसाइटी होती है उनके मध्य राजपूत क्लैन उभर कर सामने आया 11th और 12th सेंचुरी में। दे बिलोंग टू डिफरेंट लिनेसिस सच एज हुनास, चंदेलाज, चालुक्यास एंड अदर्स। तो हम बात कर रहे थे ना कि ब्राह्मण में, जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रही थी, चतुर्वेदी, द्विवेदी, वशिष्ठ, इस तरह से अलग अलग कास्ट निकल के आई थी। ऐसे ही अगर बात करें क्षत्रिय की, तो अक्षत्रिय में भी अलग अलग वंशावली सामने आई, जैसे कि हुनास। हुनास कौन थे? जिन्होंने आपने 6th क्लास में पढ़ा होगा, जो गुप्त साम्राज्य था, तो उन पे हुनन ने आक्रमण किया था, तो ये वही हुन है। तो हुनास, चंदेल, चंदेल हमने किस चैप्टर में किया था? पिछले चैप्टर में किया था, जहाँ चंदेल कौन से? जो खजुराहो वाले चंदेल से। चालुक्यास, चालुक्य कौन से थे? वादामी के चालुक्य। तो ये जो अलग अलग से जो लिनेजिस थी, वंशावली थी ना क्षत्रिय की, ये अलग अलग सामने आने लगी, हुनास, चंदेल, चालुक्यास एंड अदर्स। और दूसरी, सम ऑफ दीज टू हैड बीन ट्राइब्स अर्लियर, इनमें से कुछ है ना पहले ट्राइब्स हुआ करती थी, इनमें से हुनास, चंदेल और चालुक्य में से। मैनी ऑफ दीज क्लैंस केम टू बी रिगार्डेड एज राजपूत, और इनमें से कुछ क्लैन अपने आप को राजपूत कहलवाने लगे। दे ग्रेजुअली रिप्लेस्ड द ओल्डर रूलर्स, और धीरे धीरे जो पुराने शासक थे ना उनकी जगह इन्होंने ले ली, स्पेशली इन एग्रीकल्चरल एरियाज, मुख्य रूप से कृषि वाले क्षेत्रों में। हियर आर डेवलप्ड सोसाइटी वॉज इमर्जिंग, ऐसे क्षेत्रों में एग्रीकल्चरल एरिया में एक डेवलप्ड सोसाइटी सामने आने लगा। एंड रूलर्स यूज्ड देयर वेल्थ टू क्रिएट पावरफुल स्टेट्स, और जो रूलर्स थे, शासक थे, वो अपनी धन दौलत का इस्तेमाल करने लगे अपने आप को एक पावरफुल शासक दर्शाने के लिए। तो यहाँ पे हमने क्या समझा कि जो अक्षत्रिय थे उनकी भी नई नई जातियाँ, जैसे कि हुन, चंदेल, चालुक्य, इनमें से कुछ ट्राइब्स भी थी और ये बाद में अपने आप को राजपूत कहलवाने लगे। नेक्स्ट, द राइस ऑफ राजपूत क्लैन टू द पोजिशन ऑफ रूलर्स सेट एन एग्जाम्पल फॉर द ट्राइबल पीपल टू फॉलो। जो जैसे कि हम अभी अभी हमने पढ़ा कि जो राजपूत क्लैन का उदय होने से जो ये खुद को एक कैसी सोसाइटी के अंतर्गत लाया इन्होंने, राजपूत ने अपने आप को रूलिंग सोसाइटी के रूप में एक तरफ से देखें तो ये अपने आप को राजा कहलवाते थे। तो ऐसी इनकी पोजीशन समाज में हो गई थी, तो इससे एक ट्राइब वाली सोसाइटी थी ना, तो उनके लिए एक तरह से एग्जाम्पल बने फॉलो करने के लिए कि भाई हम भी जो ट्राइब में जो हाई लेवल की जातियां थी ना, तो उन्होंने ये समझा कि हम भी अपने आप को राजपूत कहलवाएंगे। ग्रेजुअली विद द सपोर्ट ऑफ द ब्राह्मण्स, और ये काम कौन करता था? ब्राह्मण्स लोग, क्योंकि ये जो रिचुअल्स के द्वारा, जो धार्मिक अनुष्ठान के द्वारा उनके धर्म को चेंज कर देते थे, और ये जो धीरे धीरे से ब्राह्मण्स के सपोर्ट से मैनी ट्राइब बिकेम पार्ट ऑफ द कास्ट सिस्टम। जो काफ़ी सारी ट्राइब्स जो पहले किसी जाति में विश्वास नहीं रखती थी ना, वो भी धीरे धीरे कास्ट सिस्टम के अंतर्गत आने लगी। बट ओनली द लीडिंग ट्राइबल फैमिलीज कुड जॉइन द रूलिंग क्लास। लेकिन एक बात याद रखना कि जो लीडिंग ट्राइबल फैमिलीज थी ना, जो ऊंचे वर्ग वाली ट्राइबल फैमिली थी, उन्होंने ही रूलिंग क्लास को ज्वाइन किया, उन्होंने ही मतलब कि राजपूत क्लैन को ज्वाइन किया। अ लार्ज मेजोरिटी ज्वाइन द लोअर जातीज ऑफ कास्ट सोसाइटी, और ज़्यादातर मतलब कि ज़्यादा जो कम लोअर जाति थी ना, जो नीचे निम्न वर्ग की जातियाँ थी, वो उन्होंने लोअर जाति को कास्ट सोसाइटी में लोअर जाति को उन्होंने ज्वाइन किया। मतलब कि जो कम ही ऐसी ट्राइबल में कम ऐसे थे जो लीडिंग थे, लेकिन हाई लेवल वाली थी ना, उन्होंने तो राजपूत क्लैन को रूलिंग सोसाइटी को ज्वाइन किया, लेकिन ज़्यादातर मेजोरिटी ने क्या ज्वाइन किया? लोअर जाति को, निचली जाति को उन्होंने
ज्वाइन किया। ऑन द अदर हैंड मैनी डोमिनेंट ट्राइब्स ऑफ पंजाब सिंध एंड द नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर हैड एडोप्टेड इस्लाम क्वाइट अर्ली। दूसरी तरफ काफ़ी जो पंजाब सिंध और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर पर जो राज करने वाली ट्राइब्स थी उन्होंने इस्लाम को एडोप्ट कर लिया था। दे कंटिन्यू टू रिजेक्ट द कास्ट सिस्टम, इन्होंने कास्ट सिस्टम को रिजेक्ट किया। द अनइक्वल सोशल ऑर्डर, और कास्ट सिस्टम को वो क्या मानते थे, अनइक्वल सोशल ऑर्डर प्रिस्क्राइब बाई ऑर्थोडॉक्स हिंदुइज्म। वो मानते थे कि ये हिंदुओं की रूढ़िवादी प्रथा है कास्ट सिस्टम बनाना, और कास्ट सिस्टम के आधार पे समाज में अनइक्वल सोशल ऑर्डर होता है, मतलब कि समाज में सब बराबर नहीं माने जाते, इससे भेदभाव उत्पन्न होता है, और इस रूढ़िवादी प्रथा को, हिंदुओं की इस प्रथा को उन्होंने ठुकरा दिया था। वॉज नॉट वाइडली एक्सेप्टेड इन दीज एरियाज, इन क्षेत्रों में इस प्रथा को एक्सेप्ट नहीं किया गया। द इमर्जेंस ऑफ स्टेट्स इज क्लोजली रिलेटेड टू सोशल चेंज अमंगस्ट ट्राइबल पीपल। टू एग्जाम्पल ऑफ दिस इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आवर सोसाइटी आर डिस्क्राइब बिलो। नेक्स्ट हम आगे वाली वीडियो में करेंगे। थैंक यू।